बिग बॉस सीजन 15 के घर में आखिरकार तेजस्वी प्रकाश पर वुमेन कार्ड खेलने का इल्जाम क्यों लगाया देवोलीना भट्टाचार्य जी ने? क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि की आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए, @_सृष्टि के नाम से मौजूद हूँ। वेल, आपको बता दो, बिग बॉस सीजन 15 के घर में जहाँ VIP टास्क चल रहा था, प्रतीक सहजपाल और साथ ही साथ तेजस्वी प्रकाश दोनों आमने सामने थे और ये टास्क का हिस्सा था कि दोनों ही एक दूसरे का साइकिल ख़राब कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जहां प्रतीक सहजपाल ने जब तेजस्वी प्रकाश के साइकिल को ख़राब करने की कोशिश की तो उस वक्त तेजस्वी प्रकाश की तरफ से प्रतीक सहजपाल को चोट लग गई और प्रतीक सहजपाल चोटिल हो गए, जिसके बाद कि देवोलीना भट्टाचार्य जी प्रतीक को सपोर्ट करते हुए तेजस्वी प्रकाश को खरी खोटी सुनाने लगी और कहने लगी कि वो तुम्हारे साइकिल को सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहा था, जो कि टास्क का हिस्सा था, ना कि तुम्हें हर्ट कर रहा था। और यहाँ पर तेजस्वी प्रकाश बड़ी बात कह देती है प्रतीक सहजपाल को कि जो दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाता है उसे तकलीफ़ तो मिलती ही है, जिसके बाद कि देवोलीना का पारा और गर्म हो जाता है और वो तेजस्वी प्रकाश पर वुमेन कार्ड खेलने का इल्ज़ाम लगा देती है। जी हाँ, इनकी पूरी बातचीत के दौरान ये साफ जाहिर हुआ है कि देवोलीना भट्टाचार्य जी ने एक बड़ी बात कह दी है तेजस्वी प्रकाश के बारे में कि तेजस्वी प्रकाश वुमेन कार्ड खेलती है हर चीज़ों में। बल्कि आपको भी ऐसा ही लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।